बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आरिफ आपके साथ हूँ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो वीडियो है आपने टाइटल से देख लिया है, एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स की है, सही है। तो मैथ्स की 9th क्लास की एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक डाल दी थी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की है, सही। 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए पूरी वीडियो कम्प्लीट देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप सवाल बुक आपके सामने होगी, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, तो आपको इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई प्लस 1/t, आपको सवाल में ये वैल्यू निकालनी है। अगर आप सवाल पे देखो आपको दिया हुआ है टी, आपने लिखा टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वैल्यू दी थी आपने, इससे 1/t करना है। 1/t करोगे तो आप इन वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दोगे, x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, x माइनस वाई नीचे आ जाएगा। फिर आप t प्लस 1/t निकालोगे कैसे, t की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, 1/t की ये वैल्यू है, इसके बाद लिखनी है, सही है। अब अगर आप पीछे सवालों को देखो जो आप पीछे करते आ रहे थे, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर आपके पास प्लस है बीच में, अपॉन में वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया जब अपॉन में वैल्यू है बीच में प्लस में, तो एलसीएम लेते हैं, तो नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बिल्कुल अलग है, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है, लिखेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बीच में साइन लगाना भूलना नहीं है आपने, सही है, साइन लगा दी। अब देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस का लग रहा है 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई, अच्छा यहाँ पर बहुत नीचे हो रहा है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आगे आते हैं देखो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस में और प्लस में कट गई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, नीचे की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, फिर आपके पास ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे अगर आप फॉर्मूला बंद भी करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन अलग होने की वजह से कटिंग नहीं होगी, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, पहले पार्ट पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। सवाल में जो दिया हुआ है 5x प्लस वाई, डिवाइड में आपको दिया हुआ है 3x² √y + 6, वैल्यू लिखी हुई है, एक्स की जगह -4 रखना है, वाई की जगह 9 रख देना है आपने। देखो कैसे करेंगे, 5 लिखा मैंने, फिर एक्स की वैल्यू -4 थी वो लिख दी, वाई की वैल्यू 9 थी उसके बाद लिख दी, प्लस की साइन थी इसलिए प्लस लगा दिया नीचे मैंने, 3 लिखा, एक्स पे स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू लिखी बार स्क्वायर, वाई पे अंडर रूट है, वाई की वैल्यू लिखी और अंडर रूट बना दिया, आगे +6 दिया हुआ। आगे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में पहले इनको सॉल्व करूँगा, फिर बाद में 6 से प्लस कर सकता हूँ, इसके अलावा तो वैसे ही रूट वाली वैल्यू तो सॉल्व होती नहीं है, और ये वैल्यू भी प्लस नहीं हो सकती। 3, 4 का स्क्वायर 16, 9 का रूट होता है 3, इसलिए यहाँ बचेगा 3, अभी भी आप इसको प्लस नहीं कर सकते, पहले इनको ही सॉल्व करोगे, 5 5 ज़ा 25 3 16 3 ज़ा 48, 48 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 48 3 16 और 9, 16 को 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 और 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13 14, तो ये आ गया 144, प्लस है आपके पास 6, अब इनको प्लस कर देते हैं तो 25 अपॉन 150 144 प्लस 16 150, कटिंग करें तो 25 1 ज़ा 25 25 6 ज़ा, तो आंसर आ गया 1/6, सही, ये पार्ट आपका अलग है, एक पार्ट सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, पहले बोर्ड को क्लियर करना ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा वरना, सही, और बोर्ड की साइज़ भी हमारी छोटी है तो हम इस साइज़ को बड़ा करेंगे यहाँ से, सही, कि हमें आसानी हो नीचे करने में,
इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, और मेरा जो सवाल है वो मेरे सामने ले। सही, क्वेश्चन नंबर पार्ट टू पे आते हैं। आपको दिया है 42, फिर ए दिया है, बी स्क्वायर दिया है, कोई साइन नहीं, सबके बीच में मल्टीप्लाई आएंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, 3a² b और प्लस 1। वैल्यू देखो ए की दी है, बी की दी है और सी की दी है, वैल्यूज रखता जाता हूँ। ए की जगह 3, बी की जगह 2, बी पे स्क्वायर है इसलिए 2 पे स्क्वायर, सी की वैल्यू 1, सी पे स्क्वायर, नीचे 3, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 और फिर प्लस 1। सही है, सी होता तो सी की वैल्यू लगते। अब ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, कोई वैल्यू कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये प्लस वाली जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक कुछ नहीं कर सकते, ना इसको काट सकते हो ना इसको। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, रफ वक्त में मल्टीप्लाई कर लो, 42 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 6, 4 3 12, 126 आ गया पहले तो, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो लिखने की नीड नहीं, फिर भी लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पर पहले स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 2 6 प्लस 1। पहले नीचे की जब तक वैल्यू प्लस नहीं होती तब तक ऊपर से कुछ नहीं किया जा सकता। 126 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 6 4 24, 4 2 8, 9 10, 4 1 4 प्लस 1 5, ये आ गया 504, 9 6 54 और प्लस 1, ये आ गया 504 डिवाइडेड बाय 55। सही है, तो ये एक टेबल में आते नहीं क्योंकि ये 5 और 11 की टेबल में आता है और ऊपर वाला नंबर किसी और टेबल में आ नहीं रहा। सही है, इस वजह से मेरा यहाँ पर आंसर आ गया इसका। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, बाहर क्यूब दिया हुआ है, माइनस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइड में आपको दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैल्यू दे रहा है एक्स वाई और जेड की, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। एक्स की वैल्यू दे रहा है 2, वाई की वैल्यू दे रहा है माइनस 4, फिर माइनस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3 दे रहा है, इस पर स्क्वायर आ गया, इस पर क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2, बाहर स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू माइनस 4, इस पर स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में 3, जेड पे स्क्वायर। सही, ऊपर अगर देखें तो साइन सॉल्व हो रही है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस होगा, माइनस 2 बचेगा और बाहर क्यूब है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। सही, 3 का स्क्वायर 9, जिस बात में आके कटिंग नहीं होगी जब तक ऊपर की वैल्यू सिंप्लीफाइड पूरी नहीं होती माइनस के साथ। 2 का क्यूब 8 होता है, मैंने आपको रूल बताया था शुरू में, आपको नहीं पता वापस बता देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो इवन पावर होगी तो वो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस होगा ऑड पावर होगी ब्रैकेट के बाहर तो माइनस लगाओगे नीचे। सही है, माइनस 9, 16 4 64 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 18 17 माइनस का, 64 प्लस 9 आपका हो जाएगा 73। तो ये भी एक टेबल में नहीं आते, यहाँ पर आंसर आ गया, पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 आ जाते हैं या नीचे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन, मेरे पास है 3x² yz माइनस bc डिवाइडेड बाई x प्लस 1, अब वैल्यूज रखता हूँ 3। सवाल में देखो x की वैल्यू 2 है तो x की जगह 2 लिखा, फिर सवाल में y था, मैंने ऊपर से देखा y की वैल्यू माइनस 1 थी, माइनस 1 लिखा दिया, इसके नीचे जहाँ तक आप पौने वहीं तक रखोगे, z की वैल्यू 3, माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है 4, c की वैल्यू आपके पास क्या है 1/3, ये लिखा, फिर इसके नीचे डिवाइड x प्लस 1, x की वैल्यू 2, 2 प्लस 1। अब ये अपॉन जो है वो पूरे पर नहीं है इसलिए बीच में कोई माइनस की साइन भी नहीं आ रही अलग से, इसलिए ये 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, यहाँ पर 4 और 3 कट हो रहे थे तो कट करते नहीं हो रहे, तो हम 4 1 4, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 3 3, इसके नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 2 प्लस 1 3, तो वो 3 हम इसके नीचे डिवाइड के बजाय हम डिवाइड साइन करके लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ इसको क्या करना है। पहले माइनस 4 1 4, माइनस प्लस माइनस, अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आप रेसिप्रोकल करते हो, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, रेसिप्रोकल करोगे ये 1/3 हो जाएगा,
आपके पास वैल्यू बची माइनस फोर वन ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन वन नाइन ज़ा नाइन, नाइन फोर ज़ा 36, वन फोर ज़ा फोर, ये आंसर हो गया माइनस 40 डिवाइडेड बाय 9, एक ही टेबल में नहीं आते इसलिए ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 5। सवाल दिया है ए बी स्क्वायर माइनस सी ब्रैकेट में, फिर डिवाइड में दिया हुआ है ए प्लस सी डी स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, ये भी ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने, ब्रैकेट ये नीड नहीं थी हर जगह पे, लेकिन फिर भी लगाया है तो हम भी लगा लेते हैं, वरना हमें ये ब्रैकेट की नीड कहीं नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं हर जगह ब्रैकेट को हटा के दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो आपका सवाल ही हो गया, ब्रैकेट मैंने आपको बताया बाहर माइनस प्लस की साइन हो, नंबर मल्टीप्लाई तो ज़रूर लगता है, वरना नीड नहीं होती। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू है, मैं यहाँ पर पुट करता जाता हूँ, सबसे पहले ए आ रहा है, मैंने देखना है ए की वैल्यू मुझे दी है 1, बी की वैल्यू दी है 3, 3 पे स्क्वायर, सी की वैल्यू दी है माइनस 3, तो मैं लिख दूंगा सी की जगह माइनस 3 डिवाइड बाई, देखो ब्रैकेट की नीड नहीं, मैं नहीं बना रहा, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, सी की वैल्यू माइनस 3 डी की वैल्यू 2, फिर ए स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास 3 और डी की वैल्यू आपके पास है 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 वन ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3, नीचे पहले बोर्ड मास का रूल होता है मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 1, एलजेब्रा पक्की होगी तो गलती नहीं करोगे, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा अब यहाँ बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, इसलिए आप 3 2 को सॉल्व करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए 1 मल्टी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 ज़ा 3 होगा, सही है, यहाँ पर 2 को 1 से सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको समझा दिया बोर्ड मास के रूल के साथ, तो 3 माइनस 9 प्लस 3 12, 1 माइनस 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 3 में से 2 गया 1, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल, ऊपर बचा 5 नीचे बचा वो ऊपर बचा 12 नीचे बचा 5, यहाँ पर आके आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी मैंने, तो जो क्वेश्चन थे वो हमारे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं आपसे अलाफिस लेता हूँ, मैं मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जैसी लगे आपको शेयर ज़रूर करें कि आपने अगर फ़ायदा उठाया, आपने वीडियो देखी है तो आपसे लाजमी फ़ायदा उठाने के बाद दूसरे भी उठा सकें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, नहीं तो दूसरे स्टूडेंट को लाजमी बोले कि सब्सक्राइब कर लें जिनको वीडियो अच्छी लगती है।